नमस्कार दोस्तों, एमके इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये मोटर हमारे यहाँ सिर्फ कंडेंसर लगवाने के लिए आई थी, क्योंकि वो कन्फ्यूज थे कि कंडेंसर कौन कौन से तार में लगेगा। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि तीन तार वाली जो मोटर हमारे पास आ जाती है रिपेयरिंग के लिए, तो उसमें हम ये पता करना भूल जाते हैं कि हमारा मेन तार कौन सा है और कंडेंसर का कौन सा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें तीन तार निकले हुए हैं। तो दोस्तों, हम इसको देखेंगे कैसे कि कंडेंसर का तार कौन सा है और मेन कौन सा है। तो दोस्तों, ये देखो, ये हमारे पास सीरीज बोर्ड होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये बल्ब हमारा जल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर से ही कनेक्ट होते हैं कनेक्शन। देखो, ये तार बोल रहा है, जो तेज़ बोल रहा है दोस्तों उस पर नहीं लगना है। ये भी तेज़ बोल रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद दो ब्लैक पे दोस्तों, ये भी तेज़ बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप देखो, ये भी तेज़ बोल रहा है, ये बराबर बराबर बोल रहे हैं दोनों, लाल और काले। उसके बाद दोस्तों, हम काले और लाल पर लगाएंगे, उससे पता लगेगी हमें प्रॉपर कि बाकी हमारा कौन सा तार है। देखो, एक काले पर लगाया, एक लाल पर। देखो दोस्तों, बल्ब कम जल रहा है हमारा। दोस्तों, जिस पे हमारा बल्ब कम जलेगा, जिन दो तारों पर दोस्तों, वही कंडेंसर के होते हैं। देखो, कम जल रहा है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये दोनों कंडेंसर के हैं, ये प्रॉपर हमें पता लगे। देखो, इस पर तेज़ जल रहा है, इस पर कम जल रहा है। देखो, इस पर तेज़ जलेगा, और दोस्तों इसलिए हमें प्रॉपर पता लग गई कि हमारा ये लाल और काला, ये दोनों ही कंडेंसर के हैं। दोस्तों, अब कनेक्शन कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। हमें लाल और काले पर कंडेंसर लगा देना है, और जो पीला वाला है दोस्तों, वो हमारा मेन है, जिसे हमने अंदर से ही कनेक्शन करके, एक्स के अंदर से ही कनेक्शन हुए हैं मोटर के। दोस्तों, 3.25 का कंडेंसर लगाया है हमने। एक तार हम लाल पर लगाएंगे और एक तार हम काले पर लगाएंगे। दोस्तों, इस पर लगाने के बाद हमें एक चीज़ और पता करनी पड़ती है कि हमारा जो है दूसरा सप्लाई वाला तार कौन सा है, जिस पर हमारी मोटर सीधी चलने लग जाए। समझ लो, सप्लाई वाला वही तार है। एक तार तो हम प्रॉपर पीले वाले पर लगाएंगे, उससे तो हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। देखो, मैं चला के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, पीला वाला हमारा मेन है, जिससे हमें डायरेक्ट सप्लाई देनी है जिस पर, और दूसरी हमें जिस पर देनी है, जिस पर हमारी मोटर सीधी चले। तो देखो दोस्तों, एक पीले वाले पे लगाया, एक लाल वाले पे लगाया। दोस्तों, मोटर हमारी उल्टी चल रही है अब। ये देखो, मोटर हमारी उल्टी चल रही है, लेकिन हम इस पर नहीं लगाएंगे, हमें मोटर सीधी चलानी है, तो काले पे लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर फिर भी अगर आपकी वीडियो समझ में नहीं आई, तो मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको सीधे और उल्टे का ज्ञान जरूर होना चाहिए। देखो, यहाँ पे हमारी सीधी चल रही है, बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से चल रही है। दोस्तों, हमने गलती से भी अगर हमने पीले की जगह लाल मेन बना लिया, तो दोस्तों मोटर चलेगी नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।